all the same. But some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame. Even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken love. हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल गार्गी व्लॉग्स वंडर बॉक्स। और आज संडे है। यस, और आज सुबह के अभी 6:30 बजे हैं। और अभी सुबह सुबह इसने मुझे उठाया और ही सेड कि आज हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर जाएंगे। और जयपुर कोई भी शहर हो, वो बिल्कुल सुबह सुबह बिल्कुल ही अलग फील देता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आज हमारा प्लान है कि क्यों ना हम इस शहर की खूबसूरती, सुबह की खूबसूरती हम आपके साथ भी शेयर करें। हल्की हल्की बारिश, यस, हल्की हल्की बारिश, और इस बारिश का मजा भी ले रहे हैं और देख भी रहे हैं कि सुबह सुबह क्या क्या ब्रेकफास्ट मिल सकता है, क्योंकि 6:30 बजे ब्रेकफास्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये हमारे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, देखना कि सुबह सुबह क्या क्या मिलता है। राइट, तो अभी चलते हैं हम वॉल सिटी में और वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करेंगे। और बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत जो मॉन्यूमेंट्स हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो दिन में कुछ थोड़ा एक अलग फील देता है, बिल्कुल मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ही एक खूबसूरत सा फील देता है। तो हम उसको भी देखेंगे और ब्रेकफास्ट भी करेंगे। तो अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इन जयपुर के लिए आप लोग आई एम श्योर रेडी है हमारे साथ। सो लेट्स गो। अब मुद्दा ये होता है कि सुबह सुबह नाश्ता मिलेगा तो मिलेगा कहाँ पे? तो घूमते फिरते हम एक जगह पहुँच गए हैं। ये राज मंदिर के थोड़ा सा पास में ही है और यहाँ पे लिखा हुआ है अंकुरित कचौरी। और ये कचौरी और बनाना भी शुरू कर दिया है। अब मेरे को ये लग रहा है कि कचौरी का अंकुरित जो है ये क्या है, मतलब इसको क्या कचौरी के अंदर डाला गया है या फिर बाहर इसकी फीलिंग है, चलिए देखते हैं। तो अभी अंकुरित जो कचौरियाँ जो बनाने के लिए हम बता रहे थे, जो यहाँ पे अवेलेबल है, जो अभी बन रही है, 10 से 15 मिनट का टाइम मांगा है। और हमने देखा यहाँ पे खमन भी अवेलेबल है। खमन ही है ना? हाँ, खमन भी अवेलेबल है। एक काम करते हैं, फटाफट एक प्लेट खमन भी ऑर्डर करते हैं। जब तक हम खमन ख़त्म करेंगे जब तक कचौरी तैयार हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यमी है, सॉफ्ट एंड जूसी, वेरी नाइस। इट्स ऑल सेम, सम थिंग्स नेवर चेंज, आई कुडंट स्टॉप एंड से नो। एक्चुअली हमारे अंकुरित कचौरी है, इसमें चने, मोठ, मूंगफली, तीन तरह की दाल से मिश्रित होकर कचौरी बनती है। मसाला बनता है उसका, मसाला डल के ऊपर इस पाव डालते हैं मोठ का, उसमें उसकी कचौरी बनती है। तो अभी जयपुर में आपकी कितने ब्रांचेज हैं? जयपुर में हमारी 2 ब्रांच है, दो यहाँ सिस्की में ही। अच्छा, तो भगवान दास रोड पे है और आगे अशोक मार्ग पे है। अच्छा, तो अभी जयपुर में भी ये कंसेप्ट कोई लाया है आपके अलावा? नहीं, अभी कोई नहीं लाया। चलिए भैया, बाकी बहुत कुछ नाम से ही कर रहे हैं। अच्छा, बाकी तो जो अंकुरित की 2 दुकानें हैं जी। अब कितने टाइम से है ये? 2 साल। थैंक यू। You won't take blame. Even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken. अब नेक्स्ट वेन्यू पे जहाँ पे हम लोग आए हैं, ये हम आपको लेके जाएंगे एक लस्सी वाले के यहाँ पे, जो कि 75 ईयर्स ओल्ड शॉप है। 75 साल से? हाँ, 75 से 75 सेम चीज़ होती है। और ये लस्सी की दुकान आज से 75 साल पुरानी है, जैसे कि आपको गागी ने बताया, 75 साल से ये अपनी टेस्टी लस्सी प्रोवाइड सर्व कर रहे हैं लोगों को। एक तरह से टूरिस्ट स्पॉट भी है, जयपुर में कोई भी आता है तो यहाँ की लस्सी ज़रूर ट्राई करता है। MI रोड मेन सिटी में ही ये
दुकान है और बहुत सारी दुकानें हैं और जिसमें जो सिल्वर कलर में लिखा हुआ है लस्सी वाला, वही ओरिजिनल लस्सी वाला है। चलिए चलते हैं। दादाजी ने। अच्छा, क्या नाम था उनका? किशन लाल जी अग्रवाल। अच्छा, तो अभी पूरा ये आप लोग पूरी फैमिली में जितने जितने सबको मिलकर संभाल रहे हैं। सबसे पुरानी शॉप मेरे ख्याल से यही है, इसके बाद तो बाद में खुली है। इस लस्सी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? आप लस्सी पियो, आपको बड़ा भी मालूम हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी है, मलाई गाढ़ी सी मलाई बहुत टेस्टी लगती है, सीरियसली बहुत। मैं यहाँ पे पहले भी पी चुकी हूँ और नो डाउट यहाँ की लस्सी मुझे सबसे बेस्ट लगती है। लस्सी बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, कचौरी खाने के बाद ये लस्सी पीने का मज़ा अलग ही आ रहा है। और क्योंकि इसकी दही मलाई भरी हुई है बिल्कुल, तो नो डाउट अल्टीमेट। अभी पीछे आप लोग जो मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, दैट इज़ अ हवा महल। नॉर्मली आफ्टरनून टाइम में अगर यहाँ पे आएंगे तो पूरी रोड बिल्कुल भरी हुई रहती है, पांव रखने की जगह नहीं रहती, इतना ट्रैफिक रहता है। लेकिन मॉर्निंग टाइम है, ऑलमोस्ट 7:30 हो चुके हैं, तो ट्रैफिक भी थोड़ा कम है और बारिश की वजह से और ज़्यादा लाइक ना बहुत खूबसूरत लग रहा है ये जगह इस टाइम पर। और स्पेशली हवा महल, वन ऑफ द बेस्ट मॉन्यूमेंट इन जयपुर, वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस इन जयपुर, बहुत ही सुंदर लग रहा है और बारिश की बूंदों के साथ और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। All the same, some things never change. I couldn't stop and say no. इस टाइम पे सामने इस तरफ आप देखेंगे तो जल महल है और बारिश में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हमारा प्लान तो ये था कि हम थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे और पूरा जल महल हम आपको विजिट कराएंगे, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो रही है, अगर सिर्फ हम दोनों अकेले होते तो हम पक्के से चले भी जाते, मगर निशान साथ में तो वी कैन नॉट टेक द रिस्क। बट सीरियसली यू कैन सी ऑन योर ओन कि इट्स लुकिंग सो वेरी लवली, इट्स लुकिंग सो वेरी ब्यूटिफुल। इतनी सुंदर तरीके से तो जल महल की खूबसूरती मैंने भी कभी नहीं देखी थी। सो आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ द जल महल इन द रेनफॉल। आई एम रियली होपिंग कि आप लोगों को भी ज़रूर से पसंद आ रहा होगा सुबह की जयपुर की खूबसूरती, खाली सड़कें और बारिश। तो थोड़ी थोड़ी बारिश रुकने के बाद हम फिर से जल महल के लिए बाहर आ गए हैं, जल महल देखने के लिए। और सुबह सुबह अगर आप जल महल आते हैं तो आपको ये नज़ारा भी देखने को मिलेगा और सुबह सुबह आके आप इसको भी इंजॉय कर सकते हैं, नारियल पानी को। तो ये भी एक फूड का ही पार्ट है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि आप लोग इसको भी इंजॉय कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ। अ क्विक ब्रेकफास्ट टूर और साथ में जयपुर के शहर भी हमने विजिट करवाया आपको। सो वी रियली होप सो कि आपको ज़रूर से पसंद आया होगा
और प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं, और इस चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर करिए। जब हमने ये साल स्टार्ट करा था उस टाइम पे हमारा रेजोल्यूशन था कि जब ये ईयर एंड होगा 2019 उससे पहले हमें एटलीस्ट 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचना, और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। सो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, और प्लीज़ शेयर द लिंक ऑफ दिस चैनल विद अदर्स ऑल्सो। वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सपोर्ट, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे ग्रो कर सकते हैं। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल। और इसी के साथ हम आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, होपिंग कि आपको ये छोटू मोटू सा जो क्विक टूर हमने बनाया जयपुर का अर्ली ब्रेकफास्ट का, वो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। और इसी के साथ हम बहुत जल्दी आपसे और भी वीडियोज़ पर मिलने वाले हैं, क्योंकि सुजॉय भट्टाचार्य ने एक चैलेंज लिया है नेक्स्ट मंथ, वो 10 वीडियोस बनाने वाला है बैक टू बैक बैक टू बैक। नॉर्मली जो हमारा रूटीन रहता है वो ये है कि हम वीक में एक वीडियो बनाते थे, और छुट्टी एक ही दिन छुट्टी रहती है, तो वीक में हम एक वीडियो बनाते थे जो कि इधर वेडनेसडे या फिर फ्राइडे को हम अपलोड करते थे। लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी हैव डिसाइडेड कि नहीं, इस बार नेक्स्ट मंथ हम लोग अक्टूबर में बैक टू बैक 10 वीडियोज़ बनाएंगे, फूड ट्रैवल लाइफस्टाइल फैशन सबसे रिलेटेड। सो उसके लिए आप लोग प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, और जल्दी ही मिलते हैं हम आपसे दूसरे वीडियो में। बाय बाय।